सो वैलेंटाइन वीक के साथ साथ और 26 डेज बाकी एक सरप्राइज के लिए। सरप्राइज मतलब बहुत ही बड़ा मेरे लिए नहीं, मैं जब तो बेसिकली मेरा नया प्रोटीन शेक के साथ नया वाला दिन का शुरुआत हो चुका है। सो अभी अभी मैं उठा थोड़ी देर पहले, 8:30 उठा, फ्रेशन अप हो गया, सब कुछ काम घर का ऑल टोटल खत्म हो गया। अभी टिफिन बनाना है मेरे को, फिर ऑफिस छोड़ने जाना है जैसे रोज का ड्यूटी होता है। उसके बाद आने के बाद थोड़ा कल रात को जो पेंडिंग काम था वो वाला ख़त्म करना पड़ेगा। और गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू माई चैनल। सो नया नया सुबह के साथ नया नया मंथ भी शुरू हो गया। आज 1 फरवरी है, जैसे कि वैलेंटाइन मंथ का शुरुआत है। तो अभी और 6 दिन बचा है वैलेंटाइन वीक के लिए। सो वैलेंटाइन वीक में मैं बताऊंगा जो नया नया कपल्स हैं उनको बताऊंगा कि भाई पैसा थोड़ा कम खर्चा करो, फ्यूचर के लिए सेव करो, वो अच्छा रहेगा। अभी खर्चा करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में जाके, अभी थोड़ा ध्यान से खर्चा करो तो जाके फ्यूचर में सेविंग्स कर पाओ। सो वैलेंटाइन वीक के साथ साथ और 26 डेज बाकी एक सरप्राइज़ के लिए। सरप्राइज मतलब बहुत ही बड़ा मेरे लिए नहीं, मैं जिनको दूंगा। सो उसके लिए 26 डेज बाकी है, तो वो आने में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आएगा तो ज़रूर वो डेट। सो उसमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। तो बेसिकली प्यू को छोड़ के घर आया, फिर मैंने बोला कि जैसे मेरा खुद का बिजनेस है वो वाला, खुद का बिजनेस का थोड़ा काम किया, वो अभी काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी होने वाला है मेरा शेड्यूल। यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा शायद से 3 तारीख से ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरा शेड्यूल भी बिजी हो जाएगा, मैं देख नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा करके काम ख़त्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है करके मैं वो वाला काम ख़त्म कर रहा हूँ। शेयर मार्केट तो है ही, 2-3 जगह, एक जगह में इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम है। 2-3 जगह में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर एक जगह आपका डूब भी जाता है तो दूसरे जगह से आपको मिल जाता है। तो ये वाला यहाँ पे बहुत ही फ़ायदा होता है। और मैं जब लॉकडाउन में जब ये वाला ये मेरे पास आया, मतलब ये आइडिया मेरा बेसिकली एक दोस्त का था, वो मेरे को दिया कि एक साथ 2-3 जगह में इन्वेस्ट करो, 2-3 जगह में काम करो, अगर हो सकता है तो ये करो 2-3 जगह में। मतलब तुम एक जगह में काम करो लेकिन बाकी 2-3 जगह में तुम एज अ बिजनेस एज अ कोई शेयर मार्केट एज अ बिटकॉइन वगैरह ये सब में इन्वेस्ट करके रखो, जहाँ से 2-3 जगह से तुमको प्रॉफिट आते रहे। अगर एक जगह में कुछ भी हो जाए तो दूसरा जगह से तुम सॉल्व आउट करके निकल सकते हो वहाँ से। ठीक है भाई, उसी तरह से मैं करता हूँ। तो अभी जैसे हम लोगों का आज 1 तारीख है फरवरी का, जैसे मैं सुबह ही बोला कि वैलेंटाइन मंथ शुरू हो गया है, सो उसी हिसाब से 1 तारीख को अभी आज ये नहीं तो कल हम लोगों के यहाँ पे मीटिंग होने वाला है कि यहाँ पे एक एक करके खुलेगा, मतलब साइट सीन वगैरह खुलेगा कि नहीं खुलेगा। शायद से आज रात को नहीं तो कल शायद से आ जाएगा कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उसका फाइनल परमिशन हम लोगों के पास आ जाएगा। तो उसके बाद से तो शेड्यूल बिजी हो जाएगा, क्योंकि फ़्लाइट आना शुरू हो जाएगा, गेस्ट का आना शुरू हो जाएगा। सो तभी तक मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, इसलिए जितना हो सकता है, मतलब मेरा बोल सकते हो आप लोग 90% काम मैंने ख़त्म कर दिया है। अभी और 10% काम वो प्यू आएगा, उसके बाद उसके साथ बैठ के मैं थोड़ा कॉस्टिंग वगैरह हैंड देन वगैरह सब कुछ काम है वो काम मैं ख़त्म कर दूंगा, करके मेरा फाइनल काम हो जाएगा। उसके बाद मैं रिलैक्स में कहीं पे बैठूँगा, फ़ोन से आराम से मैं काम कर सकता हूँ। सो इसीलिए अभी बैठा, प्यू को छोड़ा, आया, टाइम दिया, मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया, कंटिन्यू मैंने टाइम दिया, देखिए मैं वो वाला काम। सो अभी बेसिकली मैं नहाने जाऊंगा, अभी ऑलमोस्ट हो रहा है 1:25, मतलब मेरे को नहाने जाना है, खाना गर्म करना है, फिर प्यू को लाने जाना है, खाना खा के फिर से ऑफिस जाना है। आज मेरा गाड़ी का बैटरी भी चेंज करना है, मतलब आज पूरा काम शेड्यूल काम थोड़ा बिजी होने वाला है 1 तारीख से। मतलब ठीक है, चलो गेस्ट आने से पहले अगर मैं बिजी हो जाता हूँ तो मैं एक बारी में फटाक से मैं घुस सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, नहीं तो फिर से सुस्ती खोर हो जाऊंगा, फिर से जाने में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो एक साथ थोड़ा करके काम आते रहेगा, प्रेशर आते रहेगा, तो फटाक से हो जाएगा। तो इतना दिन के बाद आज आके ऑफिस से मिल गया है कि वो बैटरी मेरा गाड़ी का बैटरी चेंज करना है, तो फटाफट जाके मेरा स्कूटी का बैटरी चेंज कर लूँगा, तो मेरा स्कूटी फिट एंड फाइन। तो अभी अभी मैं प्यू को लेके आ गया, घर का पूजा वगैरह सब कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत जो काम था वो वाला भी ख़त्म हो गया। अभी बज रहा है 2:30, सो यहाँ पे खाना ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे के अंदर उसको भी ऑफिस छोड़ना है, मेरे को ऑफिस जाना है। सो फटाफट मैं खाने के लिए बैठता हूँ, अभी खा लेता हूँ। सो खाने में उस दिन हम लोगों का जो पार्टी हुआ था उसमें फ्राइडेस हुआ था, उससे पहले भी और एक बार मैंने बनाया था, वो वाला बचा है, वो वाला अभी ख़त्म करना पड़ेगा। अभी फ्रिज खाली का सेशन चल रहा है, जितना जल्दी हो सकता है फ्रिज खाली करेंगे हम लोग, फ्रिज खाली करके कुछ नया वाला ट्राई करेंगे फिर।
सो पहले अभी फ्रिज खाली कर रहे हैं, तो जितना भी पुराना पुराना है सब कुछ खा पी के जो भी ठीक ठाक है वो सभी खा रहे हैं। खा के वो तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मतलब एक डेढ़ घंटा पहले हम लोग घर आए, नहीं और फिर घर आए तो आने के बाद यहाँ पे बैठ गया मैं फिर से काम पे, जो काम मैं बोल के गया था कि पेंडिंग है वो वाला काम अभी ख़त्म कर रहे हैं, उसमें कुछ अप एंड डाउन हो रहा है। सो अभी वो वाला एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, शायद से आज काम भी ख़त्म नहीं होगा, कल हो जाएगा काम ख़त्म होते होते। सो अभी फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं अगर कहीं से हेल्प आ जाता है तो वो वाला काम अभी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो वो ख़त्म होने में अभी एक दो दिन तो वो लग ही जाएगा। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो मेरा मतलब 100% काम ख़त्म और टेंशन ही नहीं है, मैं कहीं पे बैठ के मैं काम कर सकता है, जैसे मैं सुबह बोल रहा था कहीं पे बैठ के मैं काम कर सकता है वो वाला अगर मेरा हो जाता है। 7:30 बजे से काम करने के लिए बैठे हैं हम लोग घर में, मेरा खुद का काम है और पीऊ मिल के काम करते करते अभी बज गया 10। सो अभी फ़िलहाल मैं खाना गर्म करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, खाना गर्म करूँगा और ये वाला ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा, इसके बाद वाला ब्लॉग को भी शुरू करना है। सो यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करता हूँ, अगर यहाँ पर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक करो, कुछ भी रीज़न हो सकता है अच्छा लग सकता है, तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी मन में आएगा वो कमेंट पर लिखो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, गुड नाइट एंड सब्सक्राइब कर चैनल।